मैसूर शहर का दशहरा महोत्सव बड़ा ही विख्यात है। उस महोत्सव में बहुत लोग बाहर से उसे देखने आते हैं। मेरे मन की भी उत्कंठा हुई कि मैं भी मैसूर जाकर उस उत्सव को देख कर आऊँ। ऐसा सोचकर पिताजी की आज्ञा लेकर अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं भी मैसूर के दशहरा महोत्सव में गया। जैसे ही दशहरा महोत्सव पूर्ण हुआ, मैंने अपने मित्रों से कहा, चलो हम ऊटी घूम कर आते हैं। यहाँ आए हैं, अब ऊटी नजदीक है, ऊटी देखकर ही वापस चलेंगे। ऐसा विचार कर हम सब ने ऊटी का प्रोग्राम बनाया। अब ऊटी का माहौल तो आपको पता होता है, बड़ा ही खुशनुमा होता है। वहां जाकर ऐसा प्रतीत होता है हम प्रकृति के अद्भुत गोद में पहुंच चुके हैं। वहां की छटा ही अद्भुत थी। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक झील पर घूमने गया। हम झील के नजदीक पहुंचे, नाविक से पूछा, अरे कोई नाविक है जो हमें झील पर घुमाकर आए? अब नावें तो बहुत खड़ी थी, घुमाने वाले भी बहुत थे और वहां पर अलग अलग प्रकार के रेट निर्धारित थे। जो नाव तुम स्वयं चलाना चाहो उसका प्राइस अलग था और जो नाविक चलाएगा उसका रेट अलग था। हम नौजवान थे, हमने विचार किया, फिल्में बहुत देखी थी, सोचा हम अपनी नाव खुद चलाते हैं। हम 8 लोगों ने मिलकर एक नाव बुक कर ली और उस नाव को स्वयं चलाने लगे। शुरुआत में तो धीरे धीरे नाव चल रही थी, लेकिन जैसे ही झील के मध्य में वह नाव पहुंची तो भंवर आ गया। अब भंवर में तो नाव ऐसे पलटने लगी, हमारे होश ही उड़ गए। हम सब बड़े भयभीत होने लगे, ये क्या हो रहा है, हमें कौन बचाएगा? हमने बहुत आवाजें दी, कोई दूर से आकर हमें बचा कर जाए, कोई बचा कर जाए। पर वह भंवर ऐसा था कि दूर तक ना तो हमारी आवाजें पहुंच रही थी और ना ही कोई हमें बचाने के लिए वहां आ सकता था। तब मेरे मन में एक विचार उठा कि पिताजी ने बचपन से एक बात सिखाई है, दीन दयाल व्रत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, मेरे संकट को दूर करो। मैंने पिताजी की यह बात जीवन में मानी तो थी, पर विश्वास करने का मौका आज प्राप्त हुआ था कि परमात्मा को पुकार करो, परमात्मा आता अवश्य है, पर यहाँ वह कैसे आ सकता था? हम भयभीत होकर रोने लगे, हमें ऐसे लगने लगा कि आज तो हमारी मौत निश्चित है। पर तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। हम 8 जने नाव में थे, नाव गोते खा रही थी, तभी एक सांवला सा सुंदर बालक हमारी नाव में आ गया। हमने देखा, हम तो 8 लोग आए थे, यह नवा कैसे आ गया? हमने उससे पूछा, तुम कौन हो? तब वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मैं नदी में गोते खा रहा था, तुम्हारी नाव मिल गई इसलिए नाव में चढ़ गया। हमने उससे पूछा, तुम्हें नाव चलाना आती है? वह कहने लगा, मैं नाविक हूँ, यहाँ घूमता रहता हूँ, इसलिए तो तुम्हारी नाव को डूबते देखकर तुम्हारी नाव में चढ़ गया। अब पतवार मुझे दो, मैं चलाता हूँ। अब वह सांवला सा छोटा सा बालक हमारी नाव को चलाने लगा। वह नाव को चलाते चलाते किनारे लेकर आया। हम जैसे ही किनारे पे भयभीत होकर धीरे धीरे भाग कर उतरने लगे, तभी मैंने मन में विचार किया, उस बालक को धन्यवाद तो दे दें। जैसे ही मैं उसे धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ा, हम सब ने देखा वह बालक गायब हो चुका था। मेरे सब मित्र पूछने लगे, कौन था, कहाँ चला गया? तब मुझे बड़े जोर से रोना आ गया। सब पूछने लगे, क्या हुआ, रोते क्यों हो? तब मैंने उन्हें कहा, जब हमारी नाव डूब रही थी तब मेरे पिताजी की बात मुझे याद आ गई, दीन दयाल बिरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। यह पंक्ति बोलकर मैंने परमात्मा को याद किया था। आज उसी सांवली सूरत के परमात्मा हमें इस बालक के रूप में बचाने आए थे। मेरी बात जब मेरे दोस्तों ने सुनी तब उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, वह भी यही विचार करने लगे, अचानक से नाव के अंदर बालक आया और हमें बचाकर बाहर ले आया, यह और कोई नहीं, स्वयं परमात्मा ने वहां प्रकट होकर हमारी जान बचाई थी। 1967 की यह कहानी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरे मन की उत्कंठा थी यह बात मैं आपको बताऊं, जिससे कि सब लोगों के मन में परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ सके। जब हम उसे सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो वह स्वयं प्रकट होकर हमारे दुख दर्द दूर कर देता है। यह मेरे मन की आस्था थी, जो सच्चे श्रद्धा से विश्वास रखता है परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं।
तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।